बीच उपस्थित हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर आरसी भट्ट। आपका आज के दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ बीजीजीआर कैंपस एंड डायरेक्टर ऑफ चौरास कैंपस, फॉलोड बाय अवर एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल घोषाल बिरला कैंपस श्रीनगर। सो फ्रेंड्स, आज दीक्षांत समारोह है और हमारे साथ कुछ पीएचडी स्कॉलर हैं जो अब डॉक्टर बन चुके हैं। तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि सर आपको कैसा लग रहा है पीएचडी डॉक्टर बनकर? ये काफ़ी अच्छा पल है और हमारे जीवन का ये और सोसाइटी के रूप में भी जो हम भूमिका निभाने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत सौहार्दपूर्ण, मतलब बहुत अच्छा पल है और अच्छा फील, क्या अच्छा ही होना है, फील बहुत अच्छा हो रहा है और ऑल द बेस्ट। सर आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं हेमवती नंदन बहुगुड़ा के विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का पीएचडी सोचाती रहा हूँ और मेरे पीएचडी अभी पूरी हो गई है और आज मुझे डिग्री अवार्ड हो गई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है और मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये मेरे पापा का सपना था और वो पूरा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वेरी गुड। सो मैम, हाउ आर यू फीलिंग? सर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं एक बहुत गांव वाले एरिया से आती हूँ और एक महिला हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया पीएचडी करने के लिए। मुझे तो बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। सर धन्यवाद। सर आप कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं बता दूँ कि मेरा एक अपने एरिया से मैं शायद पहला पीएचडी हूँ और साथ ही मैं अपने विभाग शिक्षा विभाग को और हेमवत नंदन बहुगुड़ा परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपने जो हमारे सुपरवाइजर प्रोफेसर सुनीता गोदयाल मैडम, उनका भी बहुत बहुत आभार। सर व्हाट अबाउट यू? सर जो है मुझे बहुत ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण पल लग रहा है और ये जो पीएचडी करने का मेरा खुद का सपना था तो आज ये साकार हुआ है। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। साथियों अभी मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर आपका कौन सा कोर्स कंप्लीट हुआ है? मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आप सभी एमसीए वाले ही हैं? यस सर। यस। तो फिर कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस एक गिला है कि एक ही साल साथ में रहे, कोरोना की वजह से एक साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई। अच्छा, तो बढ़िया साथी इतने जल्दी नहीं मिले। तो आप में से कोई गोल्ड मेडल वाला भी है? यस सर। तो आपको कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इतना क्या पढ़ा आपने? पढ़ाई तो क्या थी, दोस्तों के साथ बस मजे किए और साथ साथ में आ गया गोल्ड मेडल। देखिए ये जो टॉपर्स होते हैं वो झूठ बोलते हैं कि हमने दोस्तों के साथ मजे मस्ती किया। इस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ, झूठ बोलते हैं ना। हाँ ये बहुत पढ़ते हैं लास्ट दिन पढ़ते हैं, लास्ट दिन पढ़ते हैं। तो ऑल ओवर अच्छा फील हो रहा होगा आपको? बिल्कुल, काफी अच्छा। जिस दिन पेपर कैंसिल हो रहे थे उस दिन भी भाई साहब पढ़ने चले पढ़ रहे। तो इसके बाद फिर अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? जॉब। आप जॉब ही करेंगे? जॉब। कुछ और पीएचडी वगैरह का कुछ सोचा है? बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ा जा। तो यहाँ से जा रहे हैं फिर आप कॉलेज को छोड़ के, अब तो फिर क्या क्या यादें ले जा रहे हैं हम लोग यहाँ से? ये ले जा रहे हैं डिग्री, ले जा रहे हैं अपने दोस्ती लेके जा रहे हैं। दोस्ती के अलावा कुछ और? दोस्ती के अलावा जॉब के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज लेके जा रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं दोस्त और प्यार ले जा रहे हैं, तो प्यार साथ में जा रहे हैं या फिर अकेले जा रहे हो? वो किसी और के साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो इनका प्यार किसी और के साथ जा रहा है और मेरे ख्याल से ये भी किसी और के साथ जाएंगे इन फ्यूचर। तो ये थे मेरे साथ एमसीए के स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। तो साथियों अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट और हैं तो चलिए इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंशिका मलिक है। और मैम कौन सा कोर्स है आपका? मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट से एमए किया है। और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं?
हाँ जी सर। तो मैम कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत प्राउड और बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मेहनत की थी तो और उसका मुझे आज फल मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैम जैसे कि आप म्यूज़िक वाले हैं तो फिर आप एक गाना सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। तो मैम शुरू हो जाइए। जान गली के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जान गली सी। थैंक यू सो मच मैम। इनसे बात करते हैं, तो मैम आप लोगों का कौन सा कोर्स है? मेरा तो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। मैं मास्टर ऑफ जूलॉजी। मैम आप लोग का मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी। कोई डिफरेंट कुछ? मास्टर फिजियोलॉजी वाले। फिजिक्स आप? मास्टर जूलॉजी। अच्छा, तो मैम कैसा फील हो रहा है आप लोग को कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं चला कैसे 2 साल निकल गए हमारे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ आके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाफ तो लॉकडाउन में गया पर काफ़ी अच्छा था, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फीलिंग है, सही बहुत गुड फीलिंग्स है आज। वी आर वेरी प्राउड। फीलिंग्स आ रही है। तो मैम ये आप लोग भी कोरोना में पास तो पास वाले बच्चे हो या फिर? एग्जाम हुआ है आप लोग का? चलो फिर ठीक है। तो फिर अब इसके बाद क्या करने वाले हैं आगे? जॉब करेंगे या फिर आगे की पढ़ाई करेंगे? आगे PhD वगैरह करनी है, तो स्टडी वगैरह करनी है। PhD। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से फिर कॉलेज की क्या यादें ले जा रहे हैं आप? सच बताऊँ तो यादें जब बनानी थी तब तो लॉकडाउन पड़ गया, तो फिर क्या, थोड़ा बहुत एनुअल फंक्शन की मेमोरीज़ हैं, बाकी तो ऐसी एंकरिंग वगैरह ये सब मेमोरीज़ हैं मेरे साथ। बट हाँ, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो और मेमोरीज़ बन जाती। हॉस्टल मेमोरीज़ हैं हमारे पास, क्लासरूम मेमोरीज़ हैं, और भी बहुत कुछ मस्ती करी है हमने यहाँ पे, बहुत सारा मेमोरीज़ लेके जाएंगे यहाँ से। या बहुत सारी मेमोरीज़ है, और जैसे मेरे डिपार्टमेंट में बाहर से भी बच्चे आए थे काफ़ी सारे, लाइक मैं सिर्फ यहाँ से थी बाकी बाहर से थे, तो वो भी काफ़ी अलग अलग कल्चर का जानने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा। हमारी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ है, बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और साथ में बहुत कुछ अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बहुत हम सब यही बोल रहे हैं कि बहुत कुछ हो, बहुत कुछ क्या मैं वो जानना चाह रहा हूँ। तो हमें मतलब ज़्यादातर हम लोगों को 5 साल हो गए हैं यहाँ पर, BSc भी MSc भी किया, तो हम अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, और मतलब बहुत मस्ती की हम सब ने, तो इसलिए हमको यहाँ पे 5 साल तो हो गए, लेकिन हमने MSc का सिर्फ एक ही साल रहा, क्योंकि एक साल तो लॉकडाउन में चला गया था, लेकिन उस समय में भी हमने लॉट्स ऑफ इन्जॉय किया, फ़न किया है, दोस्तों के साथ पूरा कैंपस घूमे हैं, क्योंकि हम यहाँ कभी घूमे नहीं थे। बट लेकिन इस एक साल में हमने MSc को पूरा ऐसा जिया है जैसे हमने पूरे 5 साल यहीं गुजारे होंगे। अच्छा लग रहा है काफ़ी, और मतलब हमारे यहाँ पे आके हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से मिले हैं सभी स्टूडेंट से, तो काफ़ी मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आपका भी सेम है। आपको बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथियों अभी मेरे साथ कुछ PhD स्कॉलर्स हैं जो अब डॉक्टरेट बन चुके हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? सदफ अंसारी। सर आपका? यशवंत सिंह तड़ियन। तो आपने किस सब्जेक्ट में PhD किया है? मेरा प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में किया है PhD। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो वो है पादप कार्य की, पौधे कैसे अपना काम करते हैं, जैसे वो कैसे खाना बनाते हैं, कैसे ठंड में रहते हैं, कैसे गर्मी में रहते हैं, तो उसके बारे में हम काम करते हैं। तो सर ये तो हम बचपन में पढ़ लेते हैं कि पौधे कैसे खाना बनाते हैं, तो फिर खाना बनाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अभी जब बचपन में हम पढ़ते तो बेसिक होता है कि सूरज से लाइट पड़ती है, ज़मीन से वो न्यूट्रेंट लेता है। हमारा काम ये है कि वो न्यूट्रेंट कैसे अंदर लेता है और उसे कैसे आगे बढ़ाता है। जैसे हम खाना खाते हैं वो पचता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि खाना पचता है, वो जाता कहाँ है, कैसे काम करता है आगे, उसके बारे में है। मतलब डीप नॉलेज और रिसर्च करना पड़ता है इसमें। तो कैसा फील हो रहा है आपको ऐसे डॉक्टरेट बनके? बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इतने लंबे टाइम की मतलब जर्नी है और इसमें हमने मतलब बहुत मेहनत की है, तो अच्छा ही लग रहा है मतलब इसमें। सर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि एक जो PhD स्कॉलर होता है उसकी लाइफ जर्नी किस तरह की होती है, क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आती है? मुश्किलें तो बहुत होती है, बट बीइंग अ PhD स्कॉलर हमें मतलब उनको टैकल कैसे करना है उन चीज़ों पे मतलब फोकस करके काम करते रहना पड़ता है, जैसे कि लैब एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड वर्क है, तो उन सब में कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, तो ये हम मतलब
अपने जो गुरु हैं उनसे गाइड बोले तो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, बाकी जो कलीग्स वगैरह हैं इन लोगों से हेल्प लेके मतलब कर सकते हैं इजीली। सर आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? हमारा ये था कि जैसे हमारा डिपार्टमेंट हैप्रिक है, हम हैप्रिक का जो मेजर काम है वो सारा हाई अल्टीट्यूड पे है, जैसे तुंगनाथ का एरिया हो गया, पोथीबासा है या फिर बनियाकुंड है, ये सारे 2500-2200 मीटर से ऊपर हैं। तो वहाँ पर मोस्टली ये होता है कि जब एक नया स्कॉलर जाता है, जब वो जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, तो वो सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में काम करता है श्रीनगर में, या फिर जब वो ट्रैक करके तुंगनाथ या फिर रुद्रनाथ जैसी जगह या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी जगह जाता है तो काफ़ी सारे नेचुरल टेक वो होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, फिर उस टाइम मेंटली स्टेबल रहना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पीएचडी है उसे प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट ये सब पूरे उसमें चलते रहते हैं। तो तुंगनाथ में शायद एक रिसर्च सेंटर है, वहीं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है तुंगनाथ में, जस्ट उससे 100 मीटर पहले नीचे ही है वो। तो मैंने देखा था, मैं वहाँ गया नहीं था। तो अब फिर अब यहाँ से अब आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आगे? मेरा मतलब टीचिंग और रिसर्च दोनों में फोकस्ड है, तो मैं इसमें ही जाऊंगी कहीं अच्छी जगह, मतलब जहाँ पे फर्स्ट मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ ट्राई करूँगा। मैं अभी एज अ कॉन्ट्रैक्ट में गेस्ट फैकल्टी के रूप में वीसीएसजी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में अभी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई और रिसर्च दोनों साथ साथ चल रहा है वहाँ पर। चलिए, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर के लिए। थैंक यू। तो साथियों, मेरे साथ अभी कुछ और स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका कौन सा कोर्स है? जी, मेरा एमएससी जूलॉजी है। अभी हमने सबने डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी, तो आज उसी के लिए हमें कॉन्वोकेशन पे बुलाया गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अभी कितने टाइम बाद हमें एक साथ मिलने का मौका मिला और इस तरह का माहौल मिला, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी, तो वही है बस। तो मैम, आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारी फैमिली बनी थी 2 साल में मास्टर्स की, दोबारा से उनसे रिग्रुप होने का मौका मिला। कॉन्वोकेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है ये सब जानने का कि अभी हम अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे, हमारे गोल्स क्या होंगे, हम उन्हें कैसे अचीव करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि हम अपने प्रोफेसर्स की गाइडेंस के अंडर ये सब कम्प्लीट कर पाए, अचीव कर पाए। थैंक यू। आप कैसे फील कर रही हैं? अच्छा फील हो रहा है। कॉन्वोकेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है सबको इनकरेज करने का, और जब लास्ट में हमें हमारी डिग्री मेहनत अपनी डिग्री के रूप में दिखती है तो बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट हम सारे हो गए हैं, तो अब आगे का सोचेंगे क्या करना है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे बीच में मतलब कोविड वाला बैच हमारा था और इस वजह से मतलब कैंपस में कोई एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं होती थी, बट जैसे काफ़ी टाइम बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि सारे इकट्ठे होके सब लोगों को डिग्री मिल रही है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैम, आप लोग फिर आगे करना क्या सोच रही हैं? हम सोच रहे हैं कि रिसर्च में अपना करियर बनाएं, रिसर्च करना की सोच रहे हैं, साइंटिस्ट बनना। आप लोग भी रिसर्च? हाँ, हम रिसर्च। और व्हाट अबाउट यू, आप लोग भी रिसर्च करने की सोच रहे हैं? जी नहीं, मैं अभी सिविल सर्वर के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो अगले साल तक मेरा वही प्लान है कि मैं अपने उस गोल को अचीव कर पाऊँ, बस वही है। तो मैम, आप लोग? गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी। गवर्नमेंट जॉब रिसर्च के लिए। तो मैम, इस कॉलेज से आप क्या यादें ले जा रही हैं, या क्या आप यहाँ का श्रीनगर का मिस करेंगी? सर, आप खास करके तो ये यूनिवर्सिटी का माहौल, क्योंकि मैं आता हूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, उसके बाद जब उत्तराखंड आया, यहाँ का माहौल देखा, और खास करके ये पहाड़ों की हवा, ये मतलब ये सीनेरियो बहुत मिस करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था कि HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इसके लिए। आप लोग क्या मिस करेंगे यहाँ का? मैं श्रीनगर गढ़वाल की हूँ, यहाँ मैं पैदा हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्वर्ग में पैदा होने का मौका मिला, यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें याद आती है, जो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यहाँ का है, रोज़ सुबह उठकर घर के सामने नदी, घर के पीछे पहाड़, यही सब चीज़ें याद आती हैं बाहर जाते हैं तो। हमें यहाँ कैंपस में बहुत इनकरेजमेंट फील होता है, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो हमें हमेशा एंथुसियास्टिक और इनकरेज फील करवाते हैं, बस यही चीज़ें मिस करेंगे। खैर, मुझे लग रहा है तो खैर झूठ बोल रही हैं आपकी ऐसा फील करवाती हैं, पर शायद ऐसा हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, शायद आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, ऐसा ही रहा एक्सपीरियंस जी। ये इनकी अभी ये इनके हंसी बता रही है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन चलो, आपका PG हो चुका है, और आप कुछ यादें ले जा रही हैं यहाँ से? हैं तो हम यहीं के ही हैं, तो यादें तो मतलब अभी रहना पहाड़ों में ही है, कोर्स भी यहीं से करना है, BEd का सोच रही हूँ अभी तो करने का। तो बस सर, मैं ये सोचती हूँ जैसे कॉन्वोकेशन जब हम अपनी मतलब कंप्लीट कर देते मास्टर्स फिर करते, लेकिन स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि बहुगुणा है। मैम, आपका? उमा भारती। मैम, कौन सा कोर्स किया आपने? मेरा MA ज्योग्राफी। मैम, आप? MSc ज्योग्राफी।
अच्छा, तो मैम कैसा लग रहा है आपको कि आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एकदम प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पहला गोल्ड मेडल लाइफ का, तो सच में बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये आपका पहला गोल्ड मेडल है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी पीजी? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, जेएनके से हूँ, और यहाँ पे आके मुझे बहुत प्यार मिला। एचओडी सर ने मुझे बहुत सराहा, मेरी हर जगह हेल्प की, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। और जो डिग्री हासिल की है मैं कभी नहीं भूल सकती एचएनवी को, ये मेरे लिए हमेशा यादगार लम्हा रहेगा। सो आई एम सो मैम, आप यहाँ से क्या यादें ले जाना चाहती है? सारी है, मैं बता नहीं सकती, कुछ अच्छी कुछ बुरी, बहुत सब है, तो मैं सबको समेट के एक साथ लेके जाना चाहती हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस ऑल गुड, इट्स फैंटेस्टिक, ऑसम। मैं यहीं से रही हूँ, उत्तराखंड से, और मैंने अपना बीएड भी कंप्लीट करा यहीं से, और एक साथ में मैंने दो पीजी डिग्री करी है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा, मुझे मतलब सब सर लोग सब बहुत सपोर्टिव हैं, उत्तराखंड के और बाहर के भी जो भी आए, सब ने बहुत हेल्प करी है, और बहुत यादें हम यहाँ से लेके जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही अचीव करते रहें और बहुत अच्छी जॉब हम सब। तो मैम इसके बाद फिर अब क्या करने वाले हैं? अभी मैं लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली कि नेट JRF हो जाए तो PhD करूँगी। मैम व्हाट अबाउट यू? सेम इट इज। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हमारे साथ प्रोफेसर YP रेवानी जी हैं, और ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हेड हैं, और तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो सर कैसा लग रहा है आपको कि आज ये कन्वोकेशन कंप्लीट हो चुका है? हाँ, ये विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह था, और लगातार पिछले 3 वर्षों से मैं ही इसका कोऑर्डिनेटर हूँ, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी एक व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सफल रूप से इसका संचालन हो। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सफलतापूर्वक और ग्रैंड सक्सेस के साथ आज ये हमारा 10वें दीक्षांत समारोह का समापन हुआ है। सर जैसे कि अभी काफ़ी PhD स्कॉलर्स ने अपने यहाँ कंप्लीट किया है और डॉक्टरेट, और साथ ही में कुछ कोर्स भी कंप्लीट हुए हैं PG वाले, तो इन बच्चों को आप फ्यूचर के लिए क्या शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक टीचर होने के नाते एक ही शुभकामना दे सकता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल रहे, भविष्य में मेहनत करते रहेंगे, आत्मनिर्भर बने, अपने आप इंडिपेंडेंट बने, यही शुभकामनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव लाइफ का हिस्सा बने। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को सफल ही होना है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। और सर ऑल ओवर पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के प्रोग्राम का? मैं तो क्योंकि कोऑर्डिनेटर हूं, तो मैं तो कहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या होगा, है ना, ये तो और लोग इसका फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सिंपल। हमारे गेस्ट भी कोई से एक डॉक्टर राजीव कुमार थे, जो कि फॉर्मर उसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो बहुत लर्नेड पर्सनैलिटी हैं, जिनको पूरे जो हमारे हिंदुस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स में जो लोग होते हैं उनमें से थे। दूसरे जो हमारे चांसलर हैं, वो उनका लास्ट दीक्षांत समारोह था, क्योंकि इसके बाद उनका रिटायरमेंट है एज ए चांसलर, 5 साल उनको हो गए हैं, और वो भी बहुत लर्नेड आदमी है, वो भी रिटायर्ड IAS हैं, बहुत सीनियर रिटायर्ड IAS हैं, तो बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोक संस्कृति के क्षेत्र में ढोल वादक श्री सोहन लाल जी को हमने ऑनरेरी स्कॉलर की जो उपाधि दी है, उससे सबको हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि हमने अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।